कैसे ड्रीम इलेवन देश के युवाओं को बनाता है अपना शिकार, इसको समझने के लिए आपको ड्रीम इलेवन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझने की जरूरत है। ड्रीम इलेवन की मार्केटिंग टीम अच्छे से जानती है कि इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि ये उससे बहुत ज्यादा है। इंडिया में क्रिकेट लोगों का इमोशन है, पागलपन है और जुनून है। इसलिए ड्रीम इलेवन अपनी सभी एड्स में बड़े बड़े क्रिकेटर्स को हायर करता है, क्योंकि इनको पता है कि क्रिकेटर्स की फैन फॉलोइंग इंडिया में काफी है। यहाँ का यूथ क्रिकेटर्स को अपना आइडियल मानता है। इनके लिए ऐड करने से कंपनी को काफी फायदा होता है और ऐप के यूजर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। इसके बाद अगर आप ड्रीम इलेवन के ऐड में नजर डालते हैं तो पाएंगे कि ये ऐप अपने विज्ञापनों के जरिए इमोशनली आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनके 3 साल पहले के एड्स को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये उस वक्त ऐड में कहते थे, तू कुछ नहीं कर रहा तो ड्रीम इलेवन में टीम बना, खाली क्यों बैठा है, चल ड्रीम इलेवन में टीम बना। कुछ ऐसी मिलती जुलती लाइनें इंडियन पेरेंट्स बचपन से ही अपने बच्चों से कहते हैं। जब इसको इंडिया में सट्टे का ऐप कहा जाने लगा तो ड्रीम इलेवन ने अपने ऐड में बदलाव करते हुए कहने लगे कि ये तो स्किल्स का गेम है, अगर आपके पास क्रिकेट की नॉलेज है तो आप करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। इसके बाद जब इनको लगा कि इंडिया में ज्यादातर यूथ ये सोचने लगे हैं कि ड्रीम इलेवन में तो केवल अच्छे नॉलेज वाले ही गेम जीत सकते हैं, तो फिर इन्होंने अपनी एड कैंपेन को चेंज किया और कहने लगे कि इस पर कोई भी करोड़ों के प्राइज जीत सकता है। इस प्रकार हर साल अपनी लाइंस को चेंज करके ये एप्स इंडियन यूथ से इमोशनली खेलते हैं।